विद्या भारती आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर जिला, कक्षा 10 विषय अंग्रेजी, टॉपिक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में मैं आज वीडियो क्रमांक 15, जिसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस समझा रहा हूँ। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान से सुनेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो ये वीडियो क्रमांक 15 है, इसमें मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस को केवल समझा रहा हूं। पहले समझेंगे और उसके बाद में जो नीचे चीज दी गई उसमें दो मैंने उदाहरण दिए हैं, उसको भी ध्यान से पढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, ये पास्ट टेंस का चौथा भाग है। पास्ट टेंस का ये नंबर पार्ट 4 है, पार्ट क्रमांक 4। अब यहां पर इसे निरंतर पूर्ण भूतकाल कहते हैं, ठीक है, हिंदी में। तो इसके हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि शब्द आते हैं। इसके सकारात्मक वाक्य रचना का जो क्रम है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का रचना क्रम है, वो इस प्रकार से है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब एट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस या फॉर प्लस टाइम होता है, यानी कि इसमें सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग होता है, ठीक है। और इसमें सिंस फॉर प्लस टाइम जो वाक्य के ऑब्जेक्ट के बाद में लिखे जाते हैं, ठीक है। तथा इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में मूल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखेंगे। इसके नेगेटिव सेंटेंस का रचना करें, यानी नकारात्मक वाक्य का रचना क्रम जो है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस नॉट प्लस बीन, हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद में सिंस या फॉर प्लस टाइम होता है, ये इसके नेगेटिव सेंटेंस का रचना क्रम है। नेगेटिव सेंटेंस में यह ध्यान रखने की बात है कि इसमें एड के बाद नॉट लगाना, यानी कि हेल्पिंग वर्ब दो शब्दों में है, एड बीन ऐसा करके हेल्पिंग वर्ब है, तो एड तथा बीन के बीच में नॉट रहेगा, कहां प्योर नेगेटिव। इसके वाक्य क्रमांक तीसरा सी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य का रचना क्रम जो है, उसमें हेल्पिंग वर्ब एक शब्द को ही आगे लिखेंगे, हैड को ही आगे लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, शेष हेल्पिंग वर्ब को यहां लिखना है, ठीक है, दूसरे शब्द को प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम होता है, ये इसका सीक्वेंस है, सीक्वल ऑफ द सेंटेंस, वाक्य का क्रम। तथा इसके इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का रचना क्रम क्या है, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य का जो रचना क्रम है, हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखना, हेड को प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, मैंने कहा ना हेड के बाद नॉट रहता है, अभी यहां क्रम में देखें तो हेड को आगे लिखा लेकिन नॉट यथावत है, जैसे नेगेटिव था वही है, फिर बीन है, इसके बाद बीन लिखना, नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम और प्रश्नवाचक चिन्ह, इस प्रकार से इस वाक्य की रचना का ये चौथा क्रम है, ये समझेंगे आप। एडवर्ब इसमें सिंस या फॉर का प्रयोग होता है प्लस लास्ट प्लस टाइम इसमें लिखा होता है। सिंस फॉर का हिंदी अर्थ से होता है या मैं होता है, सिंस का प्रयोग फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय बिंदु के लिए किया जाता है, ठीक है भाई, दोनों निश्चित है, एक तो फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम है, तो फॉर का प्रयोग फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम यानी निश्चित समय अवधि के लिए होता है, निश्चित समय अवधि के लिए फॉर का प्रयोग होता है। और यह ध्यान रखेंगे कि सिंस या फॉर का कहां प्रयोग होता है, तो दोनों निश्चित होते हैं, लेकिन इस बात में क्या ध्यान रखना है कि सिंस का प्रयोग निश्चित समय बिंदु के लिए होता है, सिंस यानी फिक्स्ड
पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, जबकि फॉर का प्रयोग निश्चित समय अवधि के लिए होता है, यानी फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। जैसे उदाहरण दो मैंने लिखे हैं, आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल। देखो यहां ऑब्जेक्ट हैड बीन सब्जेक्ट प्लस हैड बीन हेल्पिंग वर्ब प्लेइंग, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी हो गई, ये फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहां ऑब्जेक्ट के बाद में फॉर लिखा, फॉर के बाद में फॉर फाइव इयर्स, ये समय अवधि है, निश्चित समय अवधि है। इंडिया तो गया, मैं 5 वर्ष से फुटबॉल खेल रहा था, ऐसा लिखा जाता है। या लास्ट 5 इयर्स ऐसा भी लिख सकते हैं, लास्ट 5 इयर्स फॉर लास्ट 5 इयर्स, 5 इयर्स ये हो गए। नंबर दूसरा, रमेश हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस लास्ट ईयर, ये लास्ट ईयर बिंदु है, ये समय अवधि नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, वहां पर सिंस लगेगा और समय अवधि है तो वहां पर फॉर का प्रयोग होगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे और इसका 2-3 बार इसका अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। इसी के साथ में मैं आज का वीडियो पूरा करता हूं। थैंक यू विथ माय बेस्ट विशेस। अगले वीडियो में मैं इसके एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा, वो ध्यान से आप पढ़ेंगे, ठीक है।